प्लीज प्लीज हमें पार्क तक छोड़ दोगी? हमें खेलना है आज। नहीं, मुझे बहुत काम है और फिर शाम को मेरी डांस क्लास भी तो है। वैसे पिछली डांस क्लास में मैंने जो सीखा था वो तुम दोनों को दिखाओ। हाँ कैसा लगा? मुझे लगता है आपको ये डांस घर के बाहर नहीं करना चाहिए और ना ही घर के अंदर। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों को पार्क जाकर खेलने की क्या जरूरत है? अपने दोस्तों को यहीं बुला के खेल लो। आइडिया तो एकदम अच्छा है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई दोस्त ही नहीं है। हाँ, और स्कूल में नए बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, देखो कभी कभी नए दोस्त बनाने में ना वक्त लग जाता है, लेकिन अब हम यहीं रहने वाले हैं, देखना धीरे धीरे तुम्हारे नए दोस्त भी बन जाएंगे। लेकिन मॉम अगर आप ऐसा डांस करेगी। जंग बहादुर, क्या कैच पकड़ा, कमाल कर। सब जी रू कमाल था तो ये देखो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं मानसिंह, अभी मैं एक फिल्म के प्रेमी के लिए जा रही हूँ और इसका मतलब मैं बिजी हूँ। तुम बिजी नहीं हो, तुम्हारे डैडी का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो जाते तुम्हारा घूमना फिरना बिल्कुल बंद। ये तो अन्याय है, मुझे मेरे मार्क्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन डैड तो कॉलेज में दो बार फेल हो चुके हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूशन टीचर भी रखूं। व्हाट? डैड कब समझेंगे कि पढ़ाई और मैं कभी नहीं जम सकती? एक्चुअली पढ़ाई और मेरी नहीं जम सकती। हेलो, तुम्हारी बात कौन कर रहा है? सो मैम, आपके हुए हैं 7 चॉकलेट्स के रुपीज 850, 3 बुक्स के 1735, 2 मैगजीन्स के रुपीज 170, प्लस आपका 5% का लॉयल्टी डिस्काउंट जो है रुपीज 137, तो आपका फाइनल बिल हो गया 2618। वाओ, बिल्कुल करेक्ट, तुम तो कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज हो। और तुम बुक्स भी पढ़ती हो रानी? यस। ये है तुम्हारी नई ट्यूशन टीचर। क्या? सॉरी मानसिंह जी, सूरत चाहे ईस्ट की जगह वेस्ट से निकल आए, आप मुझसे ये काम नहीं करवा सकते। मैं तुम्हारी सैलरी 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। कबीर डांजो गैंग। हे डांजो, क्या हाल है डूड? ये देखो हमारे स्कूल के दो नए बंदर, चलो जाओ पेड़ पे चढ़ जाओ। सुना तूने, डांजो गैंग ने हमारा मजाक उड़ाया। वाओ, तो जाओ चढ़ जाओ पेड़ पे। डांजो तो मैं अपनी गैंग में कभी शामिल नहीं करेगा। तुम दीवार पर सर मार रहे हो। हाँ, अगर हेलमेट पहन के दीवार पर सर मारे ना तो बहुत मजा आता है। वैसे मेरा नाम मैक्स है और ये है नूडल। नूडल? ये कैसा नाम है? जब कोई एक साथ 10 प्लेट नूडल खा ले तो तुम उसे और क्या बुलाओगे? वाओ, एक साथ 10 प्लेट, इसने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8 प्लेट से। क्या तुम हमारे घर खेलने आओगे? तूने सुना, हमें किसी ने अपने घर खेलने के लिए बुलाया है। मॉम, करण कबीर, ये आप क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हारे फ्रेंड्स का इंतजार कर रही थी। अरे तुम दोनों ने नए फ्रेंड्स बना लिए। हाय हाय। यू नो एक्चुअली मैं अपनी डांस क्लास के लिए रिहर्सल कर रही थी। कम कम आओ। वाओ, कितना कूल म्यूजिक सिस्टम है। Thank you.
तुम तो मेरी डांस टीचर से भी ज्यादा अच्छा डांस करती हो. थैंक्स. अब मुझे भी सिखाओगी प्लीज? हाँ. लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो दो बच्चों की मॉम कर सके. अच्छा रानी, कल तुम्हारा हिस्ट्री एग्जाम है, तो तुम्हारी इटली पर रिसर्च कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया. मुझे पता ही नहीं था इटली के इतने सारे डिजाइनर्स अपने कपड़े ऑनलाइन बेचते हैं. तुम्हारे लिए भी एक ऑर्डर कर दूं? क्या साइज है तुम्हारा? एस फॉर सुकड़ी. नहीं, एस फॉर स्मॉल. बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह. एनीवे, मुझे जाना चाहिए. वो तो शायद आ भी गया होगा. कौन आ गया होगा? कोई नहीं. एक मिनट, ये कोई नहीं क्यूट है क्या? ऐसा कुछ नहीं. एक्चुअली स्विमिंग पूल पे ना एक नया लाइफ गार्ड आया है, और हर रोज अपने शिफ्ट से पहले वो च्युइंगम खरीदता है. मिंट फ्लेवर. तेरी उससे कुछ बात हुई या तूने उससे कुछ कहा? कुछ खास नहीं. एक्चुअली कुछ भी नहीं. लेकिन रानी, तुम तो जानती हो ना, जब तुम एक लड़के को बेहद पसंद करती हो और वो तुम्हें नोटिस भी नहीं करता है, होता है ना? नहीं. मैं चलती हूँ. अब सुन 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 सुन, अगर तू चाहती है कि वो तुझे ही नोटिस करे, तो और नीचे मत जाना. श्विंगम खाते खाते वो सोचेगा विनी कहाँ है, आज आए क्यों नहीं, किसी और लड़के के साथ तो नहीं है. मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. तुम किताबी कीड़ा हो सकती हो, लेकिन जब जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीजों की बात आती है, जैसे फैशन और लड़के, तो मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरी टीची. ए वंदनो, मैंने सुना है तुम दोनों फाइव स्टार होटल राजमहल में रहते हो. हाँ, हमारी वॉर्म वॉक की असिस्टेंट मैनेजर है. और इनके होटल के सामने तुम्हारा घर कबूतर खाना दिखता है. अच्छा, क्या ये भी सच है कि वहाँ पे सुंदर लड़कियाँ स्विमिंग पूल पर आइसक्रीम सर्व करती हैं? हाँ, वो भी तीन तीन फ्लेवर्स में. और वो आइसक्रीम की नहीं, लड़कियों की बात कर रहा है. अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि हम तुम्हारे घर पे आए. हाँ. मस्ती सस्ती करेंगे. हाँ, तुम हमारे घर पे आओगे? मतलब तुम हमसे दोस्ती करोगे? तुम दोनों को पता है मुझे तुम दोनों बहुत पहले से ही पसंद थे. अच्छा, तुम्हारा टिफिन चुराना बंद कर दो. कबीर. हे विनी, कल तुम कहाँ थी? मेरा मतलब मैं था यहाँ और तुम नहीं. वो मैं ना, उसे कुछ मत बताना. कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, जैसे तुम्हें कोई परवाह ही ना हो. मैं किसी किसी के साथ थी. किसी और के साथ? वो मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं घूमने चले. अच्छा, आज शाम चले? तुझसे पहले भी कहा था, इतनी जल्दी क्यों कर रही है? मेरा मतलब है, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं अपनी शेड्यूल चेक करती हूँ. फ्री हूँ. तो आज शाम चलते हैं और मिलते हैं एक्वा कैफे में. ऐसे ही हुआ जैसे तुमने कहा था. ऑफ कोर्स. वैसे मैंने क्या कहा था? कि मैं और राहुल साथ में घूमने जाएंगे. स्विमिंग पूल का नया लाइफ गार्ड. ओह, तो क्या पहनेगी? पता नहीं, जीन्स. और एक काम करना, अपने गले में एक बड़ा सा बोर्ड टांग देना जिस पे लिखा होगा लूजर. चल शॉपिंग. अरे पंडर लोग,
ये खाना फ्री है ना? हाँ हाँ बिल्कुल फ्री है, लेकिन सिर्फ उन गेस्ट के लिए जो यहाँ रहते हैं और दिन में कम से कम 10,000 रुपए खर्च करते हैं। केचप कहाँ है? वो चीज सैंडविच किसने खत्म की है? अरे यार इस चाउमीन को किसने बुलाया यहाँ पे? चाउमीन नहीं नूडल। चाउमीन हो या हक्का नूडल्स, करण कबीर इन टिंचुओं को यहाँ से दूर ले जाओ प्लीज अभी नाउ। ए गाइस चलो पूल पर चलते हैं। प्रीति जी थैंक यू, मुझे आप ही से बात करनी थी। आइसक्रीम ठीक 4 बजे आती है। यार तुम दोनों तो एकदम झकास हो। सुना तूने? हम एकदम झकास हैं। अब हम डांसो गैंग के मेंबर हैं। इतने पॉपुलर तो हम कभी नहीं हुए। अबे सारी आइसक्रीम किसने खत्म की? तूने देर कर दी भटूरे। चल छोड़, चलो भी जा किसी में चलते हैं। हाँ चलो 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 चलो। बच्चों का पूल ना वहाँ पर है। पहले चीज सैंडविचेस खत्म, फिर आइसक्रीम, अब जकूजी में भी जगह नहीं है। कोई बात नहीं नूडल, जूस पार्लर में हमेशा आइसक्रीम मिलती है, तू वहाँ जाके देखना। वाव चल। कैसे पूछ की तरह पीछे पीछे घूमते रहते, इनसे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। चलो बच्चे लोग कटते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। हाँ ठीक है तुम लोग चलो, मैं उनको बता के आता हूँ। सॉरी इसे कटने का मतलब ठीक से मालूम नहीं है। कबीर हम स्टार है, सब हमें पसंद करते हैं, अब तू बीच में टांग मत अड़ा। पर करण माँ कहती है ना कि हमें अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, हमें अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर ये भी तो हमारे दोस्त है, उन्हें बुरा लगेगा ना? नहीं उन्हें बुरा नहीं लगेगा, वो हंसेंगे कुचाल बाद। क्या छोड़ यार तू इतना टेंशन क्यों लेता है? अरे कहाँ गए सब? हाय बॉय, मैक्स और नूडल कहाँ है? वो तो मां नहीं आए। ओए करण ये चीज सैंडविचेस मंगवाओ और केचप भी। हाँ अभी लाया। क्या ये सारे बच्चे तुम दोनों के साथ हैं? हाँ अब हम इनकी गैंग में और हम डांजो है। अच्छा मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम अपने कुछ दोस्तों को यहाँ बुला सकते हो, पूरे स्कूल को नहीं। देखो हमारे स्कूल के हेडमास्टर आ गए, अब संभालो उन्हें। डोंट वरी मॉम। ये यार तू डांजो से कहना कि वो अपने और दोस्तों को ना बुलाए। नहीं नहीं तू जाके बोल जा। एक सेकंड हमें कहना ही नहीं पड़ेगा, उसके और कितने दोस्त हो गए। यो फ्रेंड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स गेम रूम चलते हैं, जो सबसे पहले गेम रूम पहुंचा उसको फ्री कार रेसिंग पूरा दिन। बहादुर बच गया। नीचे उतरो जंग बहादुर, नीचे उतरो। मानसिंह जी आपने मेरी जान बचाई। हमारे देश में एक परंपरा है, जो भी किसी की जान बचाता है हम उसके गुलाम हो जाते हैं। आज से मैं आपका गुलाम, मेरी जिंदगी आज से आपकी। हो तो फिर ऐसा करो, हर वो बच्चा जो इस होटल में रहता नहीं है उसे यहां से बाहर निकालो। एक भी बच्चा मुझे यहां दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि अब मैं आपका गुलाम हूं तो मुझे आपका ये खड़ूस ऑर्डर भी मानना पड़ेगा। विनी लाइफ गार्ड के साथ कॉफी कैसी थी? वो असल में इतना भी अच्छा क्या हुआ? उसे तुम्हारी ड्रेस पसंद नहीं आई? नहीं ड्रेस तो अच्छी लगी,
पर मुझे नहीं लगता हम फिर से मिलेंगे। ओह, तो तुम्हें उसके कपड़े अच्छे नहीं लगे। रानी, अपनी पहचान सिर्फ अपने कपड़ों से नहीं बनती है, कपड़ों के अंदर जो लोग होते हैं ना, उससे बनती है। हाँ, वो स्वीट है, लेकिन वो हमेशा पानी की ही बात करता रहता है। स्विमिंग पूल का पानी, नल का पानी, नदी का पानी, पानी में कूदना, पानी में नहाना। मिनट, टैप वाटर या मिनरल वाटर? पता है, इतना पानी पानी सुनकर ना मुझे 5 बार बाथरूम जाना पड़ा। रानी, उसी का फोन है। अब छोड़ दो उसे, दूर फेंक दे। जैसे कोई पिछले हफ्ते की ड्रेस हो। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उसे बुरा लगे। तो फिर एक काम, तू ना उस लाइफ गार्ड से शादी कर ले, पूल के पास तुम अपना घर बनाना, फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनकर यहाँ वहाँ घूमेंगे। नहीं नहीं, तू सब ठीक ही कह रही है, मुझे इसे यही खत्म करना चाहिए। यस, ये लो। हाय राहुल। ओ रियली? हाँ हाँ, मिस तो मैं भी कर रही हूँ। ओह, कह रहा है कि स्विमिंग पूल के पानी का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। रानी, पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत ही बढ़िया, आप डैड को जाके बता दो। अरे लेकिन हाँ, क्लोरीन तो बहुत सुंदर नाम है लड़की के लिए। अच्छा, तो पढ़ाई ऐसी चल रही है? मैं विनी को जिंदगी के इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ा रही हूँ। रानी, विनी को तुम्हें पढ़ाना चाहिए। और देखो, वैसे भी तुम्हारे डैड ने कहा कि अगर तुम फिर से फेल हो गई तो वो तुम्हें विनी के स्कूल में डाल देंगे। विनी के स्कूल में? मतलब मुझे वो अगले स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा? Yes. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मैं आज शाम उससे फिर से मिलने वाली हूँ। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे वो अगली स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। रानी, प्लीज मुझे नहीं बोलना सिखा दो। विनी, प्लीज मुझे स्मार्ट बनना सिखा दो। मुझे बचाओ। देख, स्कूल के सारे कुल बच्चे यही पर है, इनमें से कोई तेरा नाम भी जानता है? कोई चरम कैरम के गोटी देना। थोड़ा सा तो गलत था। करण, कबीर, इधर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या हुआ जंग बहादुर? मुझे एक बहुत ही मुश्किल काम सौंपा गया है। मान सिंह जी ने कहा है कि सारे बच्चों को बाहर निकाल दो, और मुझे उनका ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मान सिंह जी को जब भी देखता हूँ मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। वो भी एकदम ऐसे ही कड़क और खड़ूस थे। मुझे अपने पापा की याद आ रही है। सुनो तो जंग बहादुर, मुझे अकेला छोड़ दो। यार, हमें ने निकाल भी नहीं सकते, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओए किरण, गोटी कहाँ है? तेरा दोस्त कुछ कह रहा है किरण। ठीक है, हमें ने निकालना होगा, पर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। सब लोग सुनो, सड़क के पार वाले होटल में फ्री पिज्जा मिल रहे हैं। है मेरे भाई, तू छत संभाल, मैं लॉबी साफ करता हूँ। विनी, वो मैं सोच रहा था कि हम जुहू बीच चले, पहले पानी में मस्ती करेंगे, फिर वहाँ की पानी पूरी खाएंगे, और फिर हाँ, एक स्पेशल नींबू पानी पिएंगे, फिर हम एक फिल्म देखेंगे, काला पानी। राहुल, तुम्हें पता है ना कि काला पानी एक जेल के बारे में है? राहुल, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इधर उधर की बातें नहीं, सीधी बात कर। राहुल, जिंदगी एक समुद्र के पानी की तरह होती है, कभी हाई टाइड और कभी लो टाइड। साफ साफ बोल और पीछा छुड़ाए से कि मैं बाहर आके बोलूं। चुप कर। ये तुम किससे बात कर रही हो? किसी से भी नहीं। राहुल, जिंदगी एक नदी की तरह है, हमेशा बहती है,
वैसे मुझे बचपन से ही स्विमिंग पूल बहुत पसंद है। हाँ, 2400 घंटे बाथटब में ही रहता था। उफ़ो, राहुल, मैं शाम को तुमसे नहीं मिल सकती। आज शाम नहीं, कल शाम नहीं, कोई भी शाम नहीं। तुम हमेशा पानी की बात करते रहते हो। पर मैंने कहाँ बात की आज? तुम ही कब से पानी, समुद्र और नदी की बात कर रही हो? क्या लड़की हो यार तुम? Good news, मेरे पास थी। पहले मैं, मुझे मैथ्स में 100 में से 40 मार्क्स मिले। ये तुम्हारी गुड न्यूज है? हाँ, और डैड ने मुझे नया प्लाज्मा टीवी गिफ्ट किया। वाओ, पता है जब मैं 90% लाती हूँ तब मुझे सिर्फ एक चॉकलेट मिलती है। ये तुम्हारी गुड न्यूज थी? नहीं, पता है मैंने तुम्हारी एडवाइस ली। मैंने राहुल को छोड़ दिया और सब कुछ साफ साफ बता दिया, बल्कि मैं रूठ भी थी। ये इसका मतलब तुमने मुझे कुछ सिखाया और मैंने तुम्हें कुछ सिखाया। हाँ, अब तुम्हारे पास एक प्लाज्मा टीवी है और मैं आज शाम, कल शाम और हर शाम फ्री हूँ। देखो, दोनों खुश। भागो भागो। कहाँ भागो? उधर। भागो 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 भागो। नहीं, आप चलो आप। गाइस, सुनो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा अब भी। शी, उधर देखो क्या है? शी! ये क्या था? पूछ मत क्या क्या करना पड़ता है। सब ठीक? हाँ, मैंने नीचे से सब बच्चों को भगा दिया है। एक जा ही नहीं रहा था, रो रहा था, भीख मांग रहा था कि उसे यहाँ पर रहना है। फिर पता चला कि उसके मॉम डैड यहाँ के गेस्ट है। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ये करण बताएगा। बोल। वो क्या है ना डैंगजो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अरे बच्चू, चालुके में कोई कैसे जा सकता है? अबे ओए, तुझे पता नहीं चलता क्या? एक बार बोला यहाँ से जा तो जा, चल। करण, बता ना। मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ। अगर एक बार हम लोग यहाँ से चले गए ना, फिर हम वापस नहीं आएंगे। फिर कर लेना दोस्ती तुम उन झल्लों के साथ। एक मैक्सी, दूसरा बोनलेस चिकन चाउमीन। उसका नाम नूडल है और वो हमारा फ्रेंड है, और वो दूसरी जल्ली भी। वो तब से हमारे दोस्त है जब से उन्हें पता भी नहीं कि हम इस फाइव स्टार में रहते हैं जहाँ फ्री चीज सैंडविचेस मिलती है। तो तुम्हारी वजह से हमें उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन अब हम तुझे छोड़ रहे हैं। बोला मिस जयसवाल, जरा यहां आएंगी प्लीज। क्या आप जानती हैं कि मेरे होटल का आधा स्टाफ आपके बच्चों के लावारिस दोस्तों को निकालने में लगा हुआ है? मिस्टर मानसिंह, छोटी सी छोटी बात को लेकर आप ऐसे क्यों बिहेव करते हैं जैसे ऊपर से आसमान गिर रहा है? कभी-कभार गब्बर भी सही होता है। सर, सब ठीक है? हमने होटल ही तोड़ डाला, अब क्या करें? लगता है कि तुम दोनों को मदद की जरूरत है। तुम दोनों यहाँ पर? हम दोनों तो वैसे ये कहने आए थे कि तुम दोनों भाड़ में जाओ। लेकिन फिर हमने तुम्हें कहते हुए सुना कि हम झल्ले तुम्हारे दोस्त हैं। सॉरी, उनके चक्कर में हम तुम्हें भूल गए। इसका मतलब कि हम फिर से दोस्त हैं? वो सोचना पड़ेगा। तो जल्दी सोचो। करण, कबीर, क्या किया तुम दोनों ने? ये क्या किया? होटल तोड़ दिया? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और तुम दोनों को भी? लेकिन आंटी, ये सब हम लोग ने नहीं किया है। हाँ मॉम, ये सब उन्होंने नहीं किया। हाँ मॉम, ये तो हमारी हेल्प कर रहे थे। हेलो, कोई इस केबल को खींचो। मॉम, ये सब हमने नहीं, उस बदमाश डांजो ने किया है। तुझे कहा था ना उससे दूर रह, तू माना ही नहीं। तूने ऐसा कब कहा था? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खींचो। क्या ये किसने किया है? ये होटल हमारा घर है, कोई अपने घर को इस तरह तोड़ता है क्या? खींचो। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ मॉम, ये सही कह रहा है, ये सब इसकी वजह से हुआ है। खींचो। चार बज गए। आइसक्रीम। अरे बाप रे, बचो बचो। अरे, एक तो ये यूनिफॉर्म। करण,
वाह मानसिंह जी, आपका होटल तो कमाल का है। हाँ, मुझे मालूम है बेटा। मैं एक लड़की हूँ। यार इतनी बड़ी सजा तो हमें पहले कभी नहीं मिली। एक एक टाइल रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ रहा है। मेरा तो हाथ ही नहीं खुल रहा। देखो मैंने तुम्हारी स्टेप्स लर्न कर लिए।